कहाँ गए थे? ये गाड़ी कलकत्ता जाएगी। हाँ हाँ बैठ जाओ। अरे भैया कहाँ रहा है, गाड़ी का तो कौन है वाकई नहीं, कब तो को लटे ही चलते हैं, पहले भी टाइम था। चल उधर। हाँ हाँ मैं इधर जाता हूँ, तुम इधर जा। चल 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 चल। कहाँ चली गई, दिखाई नहीं रही है। ये रही। अरे यहाँ आओ, यहाँ जल्दी आओ। अरे चल उतर जल्दी। मैं नहीं जाऊंगी। अरे कैसे नहीं जाएगी, चल। अबे अरे क्यों जबरदस्ती कर रहे हो, क्यों जबरदस्ती ले जा रहे हो? अबे चल तू, उतर। छोड़ो मुझे। अरे क्या, मैं तो जाऊंगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे। दूसरों की जूठन, दागी जिस्म, इसके लिए मेरे घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। बाहर बैठा उसे, बाहर बैठा। इसके यार को नहीं पकड़ा, साथ में कौन था इसके? नहीं वहां तो और कोई नहीं था। अरे था कैसे नहीं, बगल में या साथ में कोई मूछ वाला जवान जरूर बैठा होगा। उसको तो हम लाना ही भूल गए, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं कहता हूँ पंचायत बुलाई जाए, कोई फैसला करें कि ऐसी जनानी को कहाँ सजा दी जाए। दूर कर दो उसको मेरी नजरों से। चल 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 हाँ हाँ पंचायत बुलाई जाए। बोधन महतो भी यही है और हमारे सरपंच भी यही है। हाँ बोधन महतो, क्या कहते हो कल पंचायत बुलाई जाए? नहीं कल नहीं, आज ही पंचायत बुलाई। हाँ हाँ आज ही पंचायत बुलाई जाए। इसराम चौधरी तो अपनी बहू को घर के भीतर भी नहीं लेना चाहता। इस औरत का फैसला हमें जल्द से जल्द कर देना चाहिए। सूरज डूबने के बाद ही आज पंचायत होगी और तब तक यह औरत यहीं रहेगी खुले में। कहे चौधरी, ठीक है ना? हाँ है मेरी औरत के गहने और वो रुपए मोहरे कहाँ है, वो बता कहाँ है चुड़ैल, कहाँ है वो? दौड़ी जोर जो दोबारा हाथ लगाए मेरी देह पर, कच्चा कमा डालूंगी। चुप कर, अरे चुप करना। अरे तेवर तो देखो है, लाज शर्म जा भी नहीं है इसमें। रुपए गहने तो ले गया वो ड्राइवर साला, इज्जत तो रात को ही लूट ली। सबके सब नए लौंडे साले, दिमाग ही में नहीं आया कि ड्राइवर को भी पकड़ना चाहिए। बस जवान लड़की को पाकर बेहाल हो गए। आजकल की लड़कियों को तो महीना भर भी सबर नहीं, पैदा होते ही यार चाहिए। हाँ। कल युग है कल युग। कब से आता था ड्राइवर तेरे पास, दिन में कहाँ छुपा के रखती थी उसे? ड्राइवर बाबू नहीं आए? हाथ में मोच आ गई, थोड़ी सी पिसी हल्दी गरम तेल में मिलाकर दे दे, मालिश करनी पड़ेगी। राम राम। राम राम बिमली, कैसी है? ठीक हूँ, तू कैसा है? बहुत खराब, ला मुझे दे। रहने दे, मैं करती हूँ। अरे धीरे, अरे तो सीसी का ही करते हो, बहुत दर्द हो रहा है का? होने दे, तेरे हाथ की मालिश से दर्द भी आराम सा लगता है। अब चलो खाना तैयार है। अरे पहले मेरा हाथ तो ठीक कर दे, तभी खा पाऊंगा। अरे हाथ अभी ठीक हो जाता है, गर्म पानी रखा है तो नहा ले। और शहर से तो कोई मलम क्यों नहीं खरीदता, उससे दर्द फौरन ठीक हो जाता है। अच्छा हुँ? तेरी मालिश से भी ज्यादा असरदार है। अगर हाथ ठीक नहीं हुआ तो तू अपने हाथ से खाना खिला देना। बस बस बहुत हो गया, चलो खाना ठंडा हो जाएगा। अच्छा
मुर्गी बड़ी अच्छी बनाती है बिमली, तो खाती नहीं लेकिन फिर भी इतनी अच्छी मुर्गी कैसे बना लेती है। खाली मसाले का कमाल नहीं हो सकता, तू जरूर अपने पास से कुछ और डालती है इसमें। अच्छा क्या डालती है? बताना क्या डालती है, हमें भी तो कुछ पता चले। बातें बनाना बहुत आता है तुझे। ये ले, तेरे लिए लाया हूँ। ईका है, घर जाके देखना। कुछ लाया मत कर, माई नाराज होती है। माई को कैसे पता चलेगा, ये अंदर पहनने की चीज है। हाँ। हट। हर बात माई को बताएगी तो आगे जाके बहुत परेशानी होगी। अच्छा आप खाओ और भागो यहाँ से, मुझे पांडे जी को भी खाना देना है। अच्छा ये बता, गरिया धनबाद घूमने कब चलेगी? देख इस बार साथ लिए बिना नहीं जाऊंगा मैं। हाँ सुना का नहीं। अच्छा ये बता जरिया धनबाद घूमने कब चलेगी? से मन था कि तेरे आंचल से अपना हाथ मुंह पोछूं, अब मन की इच्छा पूरी हो गई। फिर ऐसा मत करना। अरे हम ड्राइवरों की कभी इच्छा पूरी हुई है क्या? टिरक के आगे जूता क्यों लटका रखा है, अंदर रखने की जगह नहीं है क्या? अरे जूता नहीं नजर टोना है, दूसरे ट्रक वालों की नजर नहीं लगती ना, और चौराहे पर मामा तंग नहीं करता। मामा नहीं समझे? पुलिस वाला। तब तो घर के सामने भी जूता लटकाते होगे। नहीं नहीं क्यों, घरवाली को नजर से बचाने। पहले घरवाली का जुगाड़ तो करना, तभी तो नजर टोना लटकाएंगे। हम कहाँ से जुगाड़ करें? तू तो हर बात माई से कहती है ना, पूछना माई से। कब चलेगी? हाँ? इस बार बिना साथ लिए नहीं जाऊंगा। क्या
तो अब पंचायत की कार्रवाई शुरू की जाती है। बोलो विश्राम चौधरी, क्या बात है? पंचो, आज पंचायत के बीच में जो जनाना बैठी है, बदकिस्मती से वो मेरी बहू है। मेरा लड़का जिसकी ये औरत है वो परदेश गया हुआ है। मुझे गौना कराने की कौनों जल्दी नहीं थी, लेकिन बिमली के बारे में जो खबरें मिलती थी उसे सुन सुनकर कान पक गए थे। ये सोचा कि अपने माए बाप के घर से चली आवेगी, सब ठीक हो जाएगा, यही सोचकर मैं गौना कराकर इसे यहां ले आया। अब यहां लाकर अच्छे बुरे को देखने पर डोका टाकी शुरू हुई तो मेरे गांव वालों ने मेरी ही गलतियां निकालना शुरू कर दिया। सो भी थोड़ा बहुत तो आप लोग सुने होंगे। पांच पंचों की बात सुनकर मैंने अलग अपनी एक झोपड़ी तैयार की और यही मेरी गलती हो गई। नजर से दूर होने का नतीजा यह हुआ कि बहू हाथ से बेहाथ हो गई। इस ड्राइवर के साथ पहली दफा नहीं भागी है ये। मेरी औरत के सारे गहने ले गई, इसकी भी मुझे कोई चिंता नहीं। भगवान ने चाहा तो फिर गहने बनवा लूंगा, लेकिन इसने मेरी इज्जत पर बट्टा लगाया है और मेरी इज्जत के साथ साथ गांव की इज्जत को भी धूल में मिलाया। पंचों से मेरी यही प्रार्थना है कि गांव की इज्जत पर कोई धब्बा नहीं आना चाहिए, इसे सख्त सजा दी जाए और अगर मेरी कोई भूल हुई हो तो मुझे भी ना छोड़ा जाए। हां, मेरी गलती थी, मैं कथा कीर्तन में रमा रहा, बहू की निगरानी और देखभाल नहीं कर सका। वैसे इतना मैं जरूर कहूंगा कि कथा कीर्तन की वजह से ही मेरी जान बची है, वरना आज मेरी जली हुई लाश पंचों के बीच पड़ी होती। ए बिमली, उठ, मर गई करे? ये तो खटिया पे गिरते ही मर जाती है। अरे तो का मरघट ले जाऊं का? उठ बिमली, काम पे नहीं जाना। अच्छा हुआ जो हमने बिमली को भट्टे पर लगा दिया, तब तो सारा गांव खिलाफ था, कहते थे भट्टा चोर चाई का अड्डा है। आज देखो आधे गांव की बहू बेटियां भट्टे पे मजूरी कर रही हैं। हमें क्या पता था कि हमारा बेटा हाथ से निकल जाएगा और जोरू का गुलाम बन जाएगा।
क्या? अरे सुन, तेरी अम्मा के लिए आज बिजली का तेल लेती है ना? ठीक है। और बापू के लिए तंबाकू? ठीक है। हमारा बेटा चला गया तो क्या हुआ, हमारी बिमली हमारे बेटे जैसी है। देखते देखते 8 साल बीत गए काम करते करते। 10 साल की थी बिमली जब भट्टे पे मजूरी ली थी। देखो बिमली की शादी को 10 साल हो गए, लगता है कल की बात है। छोटी सी गुड़िया थी हमारी बिमली। क्या था हमारे पास, टूटी चारपाई तक नहीं थी, बर्तन के नाम पर फूटा तवा, टूटी कढ़ाई। धीरे धीरे बिमली ने पूरी गृहस्थी जोड़ी है। आज देख लो, अलग अलग चारपाई, अलग अलग रजाई, धोती कुर्ता, साड़ी, तंबाकू खैनी, चाय, सब है। और ऐसा ही रहेगा, देख लेना। पर उसके ससुर ने खबर भिजवाई है, गोने की कह रहा है। अब तक तो टालते रहे, लेकिन एक दिन तो जाना ही है, तब। अरे फिक्र क्यों करते हो, सब ऊपर वाला देखेगा। क्या बात है कुछ भाई, मन नहीं लग रहा है का? लगता है लाल साड़ी नजर नहीं आई है। अरे लाल पीली साड़ी की कौन ससरा परवाह करता है, काम कर अपना। वो देख आ गई। अरे अब टाइम हुआ तेरे आने का, 10 बजने वाले हैं, चलते वक्त घड़ी नहीं देखी थी का? अरे जितना काम करेंगे उतनी ही तो मजूरी मिलेगी ना, फिर काहे तेरी छाती फटती है। और ये घड़ी देखना अपनी बहन को सिखा। और आज मैं जल्दी चली जाऊंगी, बाजार जाना है। कुशा भाई, बड़े आपकी खिसाई करती रहती है बिमली, बड़ी शैतान है, हैं? बिमली के आते ही पट्टे पे उजारा हो जाता है, जाते ही अंधेरा। इतना लगाव ठीक नहीं कुशा भाई, लड़की पढ़ाई होती है। मालूम है, पर एक काम करना जी, अब मेरे को दोपहर को मिलना है, एक और भट्टी चालू करनी है जी, और बिमली को मेरे पास भेजना, कुछ काम है, है? जी। हाँ। वो कुईसा मरा बिमली के पीछे पागल है, वो गाली दे या नदी में डुबोए उसे पसंद है। अरे इसके ना जोरू है ना जात, पहली बीबी तो भाग गई किसी और का घर बसाने, अब 3 साल से यही लगा पड़ा है यहाँ की मजदूरों के पीछे। और बिमली का पागल है जो इस बुढ़ाऊ से लगन करेगी। लेकिन कुईसा मिस्त्री किसी और के पीछे नहीं है, सिर्फ बिमली। पर बिमली की नजर तो ड्राइवर बाबू पर है। ए बिमली, ला ला, क्या बात है, बहुत दिन हुए